हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बीएड एग्जाम्स के अंदर 10 दिन में प्रिपरेशन की जा सकती है। देखिए, हाल ही में सीआरएसयू यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को शॉक दिया है। वो शॉक क्या है कि एनुअल कैलेंडर में उन्होंने डेट लिखी 29 सितंबर की और एकदम से एग्जाम जो है वो डेट शीट जारी कर दी सिर्फ 10 दिन पहले, जो कि एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं थी। अब एग्जाम्स आपके हो रहे हैं 16 तारीख से शुरू और 17 तारीख से, ठीक है। तो अब क्या रणनीति यहाँ पे अपनाई जाए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन हो सके, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ा है या बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, जिनका देखिए 2 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं या 3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुए हैं आउट ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, सेकेंड ईयर में 7, तो उनमें से अगर हाफ सिलेबस भी आपने नहीं किया है तो क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। देखिए, इट्स वेरी कॉमन कि डेट शीट तो एक हफ्ते 10 दिन पहले ही आती है, बट यस, एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ना लेकर एकदम से इस तरीके से एग्जाम लेना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। सो लेट मी टेल यू स्ट्रैटेजी क्या अब हम अपना सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, डेट शीट तो ये फाइनल है, कुछ होने से रहा तो अब खुद ही अपने आप से ज्यादा ओवर एफर्ट्स करके जो है कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी आप सभी की क्या रह सकती है, सबसे पहले देखिए, अब आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ पे आप जो है फुल सिलेबस नहीं करें, अगर फुल सिलेबस करेंगे इसको करेंगे स्मार्ट स्टडी करनी है और फुल सिलेबस, नो फुल सिलेबस, फुल सिलेबस बिल्कुल नहीं करना है। हम यहाँ पे करेंगे स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी के देखिए कुछ तरीके होते हैं, वो तरीका क्या है। सबसे पहला कि आपको हर यूनिट में से, देखिए हर यूनिट में से, यूनिट 1, 2, 3 और 4, ये 4 यूनिट आपके रिस्पेक्टिवली रहती हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो हर एक यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट से फ्रेम आउट होते हैं, तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिर्फ करना है। देखिए, लगा लीजिए अगर यूनिट 1 में 5 से 6 टॉपिक्स हैं, तो इन 5 से 6 टॉपिक में सिर्फ इम्पॉर्टेंट है 2 या 3 टॉपिक, राइट। उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और 2 क्वेश्चन भी फिक्स हो जाते हैं 2 टॉपिक्स पे कि भाई यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वही टॉपिक्स करें। अब बात आती है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे कि कौन से हैं, तो देखिए PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखते हो, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में। रीजन मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी 2014 में एस्टेब्लिश हुई है, तो पिछले 10 साल के पेपर तो आपको वैसे ही नहीं मिलेंगे। 2015 में पहली बार पेपर हुए हैं, तो पिछले 5 साल देखेंगे, उसमें भी 20 में कोविड था, तो कोविड की वजह से MCQ एग्जाम रहे, थ्योरी नहीं हुए, तो 16, 17, 18, 19, 20 में एग्जाम नहीं हुए और 21, ये पेपर्स अगर आप देख लेते हैं तो दैट्स इनफ, ठीक है। इनको आपको देखना है और इनमें से निकालना है छाट के कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये हर बार यूनिवर्सिटी जो है पूछती रही है इस टॉपिक पे, राइट। जैसे कि फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से ही आपको पता चल जाएगा, ऐसे ही सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम के पेपर से ही पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा पेपर पैटर्न आता है। देखिए 5 ईयर के क्वेश्चन ये देख लेते हैं आप, सॉल्यूशंस के साथ इनकी बुक अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं जो 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाती है, ये बुक कर लेते हैं आप PYQs की, कुछ इस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक है, तो ये इनफ है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पे, भाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डायरेक्ट मिल जाए, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑलरेडी PDF सॉल्व्ड डाले हुए हैं सारे YouTube पे, ठीक है। देखिए दिस इज द लास्ट मोमेंट हेल्प, इसके अलावा आपको इतनी ज्यादा हेल्प और कहीं से नहीं मिल सकती है
कि आप PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ PYQ की एक ही बुक आती है, वो है बींग अ बेस्ट टीचर की BBT की बुक. सो वो बुक अगर आप लेते हैं और वहां से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इनफ है. वरना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चैनल पे डाले हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए. आपके पास अगर कोई बुक है, जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक होती है, तो उसमें से उनके आंसर्स को ढूंढ लीजिए और वो टॉपिक पढ़ लीजिए. बट हाँ, आंसर्स को आपको ढूंढना पड़ेगा. अगर आपको लगता है इतना भी टाइम आपके पास नहीं है कि आप आंसर ढूंढने बैठोगे और फिर करते हो, तो क्वेश्चन तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन आंसर्स के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF है वो पेड है. इसको डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल स्मॉल चार्जेस, बहुत मिनिमम चार्जेस यहाँ पे हैं. 100 रुपए का आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा. सॉल्ड है. अब इसमें भी मैं बता देती हूँ सॉल्ड में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी. इसमें बेसिकली आपका रहता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के बिना आंसर कभी मत लिखना. BEd के अंदर बहुत डिमांड है, नीड है कि आप जो अपने आंसर्स हैं उनको लिखें फ्लो चार्ट के साथ. फ्लो चार्ट कम से कम एक तो आपको हर एग्जाम में बनाना है. ज्यादा से ज्यादा आप 2 फ्लो चार्ट या 3 फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है और बनेंगे भी नहीं. फ्लो चार्ट की बात करें तो इजी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए, ठीक है? तो इजी लैंग्वेज में ही इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सभी के आंसर है. नोट्स वो फ्रेम्ड हैं, ठीक है? नोट से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लिए गए हैं. आगे बात करें, इजी लैंग्वेज में है तो इसके बाद पॉइंट वाइज पैराग्राफ्स में आंसर लिखोगे कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. अगर पूरा देखिए 6 पेज में लिखा है पर पैराग्राफ में आंसर लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 16 में से मिलेंगे केवल, लगा लीजिए आप 10 या 12 नंबर, इससे ज्यादा नहीं. 12 से ज्यादा देगी नहीं यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी राइटिंग होगी, थोड़े ब्लैक पेन का यूज किया होगा. तो इस तरीके से अगर आप यहीं पे इसको पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं पॉइंट वाइज आंसर, तो आपको 12 प्लस मार्क्स ही मिलेंगे, इससे कम यूनिवर्सिटी नहीं देगी. पॉइंट वाइज भी लगा लीजिए, अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, जल्दी जल्दी में भी लिखते हो, तो भी आपके 12 या 11 नंबर कहीं नहीं गए. 10 प्लस तो बिल्कुल डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है? 12 प्लस थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज आंसर लिख देते हो, तो नोट्स पॉइंट वाइज हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और सिस्टमैटिक हैं, प्लस सिस्टमैटिक हैं. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का मैं आपको रिव्यू दिखाती हूँ. बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता था क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करें ना करें, बुक से ही पढ़ लेता हूँ, ऐसे में कैसे किसी पे विश्वास करूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं ठीक है या नहीं है. तो देखिए ये रिव्यूज हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने सिर्फ PYQ से पढ़ाई करी, या जिन्होंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ाई करी, या किसी ने दोनों से पढ़ाई करी, इसके अलावा कोई मटेरियल यूज नहीं किया. तो इस तरीके के रिव्यू स्टूडेंट्स के रहे. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने 70% प्लस स्कोर किया, और जिन्होंने इनसे भी हल्की फुल्की पढ़ाई करी इजीली पास हुए हैं वो सब, बहुत इजीली. सो दिस इज द नीड कि भाई जब भी हम देखिए 10th के 12th किया कहीं के भी पेपर देते हैं तो प्रीवियस ईयर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं. तो सेम इन बीएड एक वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स आ जाता है, तो थोड़ा सा ना पढ़ाई अलग है ग्रेजुएशन से 10th 12th से, वो कॉमन सिस्टम यहाँ पे नहीं है, कॉमन चीजें नहीं है, क्योंकि आप टीचिंग की ही माइंड ऑफ सेट से बिल्कुल, मतलब आपका माइंड क्रिएट करा जाता है, वही सब्जेक्ट है, वैसे ही आपको सोच के आंसर्स लिखने. तो उसी पॉइंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर फ्रेम्ड है. तो 10 दिन के अंदर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से करें. एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप 2 से 3 दिन में कर सकते हैं आराम से, 3 से ज्यादा दिन लगेंगे. और टाइम भी मैं बता देती हूँ, अगर वर्किंग है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता रही हूँ, जो हाउस वाइफ्स है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता रही हूँ कि 2 से 3 दिन में आप इजिली कर लेंगे एक सब्जेक्ट को, ठीक है? एक दिन में भी कर सकते हैं पर उसमें आपको पूरा दिन देना होगा. ऑब्वियसली इतना सब कुछ एकदम दिमाग में नहीं जाएगा, मेरे खुद के में नहीं जा सकता एक दिन में, मैं पूरा सब्जेक्ट नहीं कर सकती हूँ. तो 2 से 3 दिन में आप जो है कर लेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो देखिए 3 दिन में भी आप एक सब्जेक्ट करते हैं जिसमें आपको प्रिपरेटरी लीव बीच में मिलेगी, तो आप लगा लीजिए 3 × 5 = 15 डेज में आपका पूरा कोर्स हो सकता है. अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में मैं बता दूं 3 डेज आपको लगेंगे पेपर 1, 2, 3 में, पेपर 1, 2 एंड 3, ठीक है? और इसके बाद पेपर 4A और 4B जो हैं,
इसमें आपको सिर्फ लगेंगे 2 डेज। तो यहां से लगा लीजिए 3 × 3 आपका हो गया 9, और 5A 5B इन सब्जेक्ट्स में, 4 सब्जेक्ट्स में लगा लीजिए 2 दिन, यहां से हो गए 8 + 9। तो आपके एग्जाम्स ऑन गोइंग रहेंगे, बीच में प्रिपरेटरी लीव है, तो इजीली आप अपनी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कर सकते हैं। एंड एग्जेम्पशन की बात करें तो अभी तक तो देखिए यूनिवर्सिटी ने कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया है, तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा इस पे, मुझे बिल्कुल लगता है कि यूनिवर्सिटी एग्जेम्पशन जरूर देगी। क्यों? एक तो एग्जाम पहले ले रहे हो आप, ठीक है, बिना स्टूडेंट्स को बताए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं थे, बहुत से थे भी, उनके लिए चलो अच्छा है, बट देखो बाकी वालों के बारे में भी सोच लो जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, जो वर्किंग है, जो हाउसवाइफ्स हैं, या जो दूर रहते हैं, उनको आने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एवरीवन हैव देयर ओन प्रॉब्लम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स है। तो एग्जाम्स देना ऐसे 1.5 महीने पहले एकदम से एग्जाम्स ले लेना, हाँ, एक डिफिकल्ट चीज है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन जो है यूनिवर्सिटी की साइड से देना चाहिए। एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू मेल यूनिवर्सिटी, मैं ईमेल करूंगी, बस उसके लिए आप सभी को सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज के नाम के साथ और अपने नाम के साथ अपना नाम लिखें और अपने कॉलेज का नाम लिखें, और लिखें दैट यस यू वांट एग्जेम्पशन इन बीएड एग्जामिनेशंस। ये चीज लिखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है 1.5 महीने पहले यहाँ पे बिना नोटिस के एग्जाम ले रही है, एनुअल कैलेंडर से वो बिल्कुल हट रहे हैं, जो कि एक गलत चीज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली पर्सनली भी मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, वो नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो, आई एम गोइंग टू मेल, आई एम गोइंग टू एड दो स्क्रीनशॉट्स, और मैं वो मेल अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी जब मैं मेल कर दूंगी, जब अच्छे खासे कमेंट हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो वो आपको प्रॉपरली मैं मेल जो है टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा कि क्या मेल भेजा गया है। एंड डेफिनेटली जब देखिए स्टूडेंट्स का प्रेशर बनता है, तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है कोई ना कोई फैसला लेती है, कोई ना कोई कदम जरूर उठाती है। आप भी पर्सनल लेवल पे मेल भेजिए, एग्जेम्पशन की नीड है बहुत, मेजॉरिटी ऑफ द 70% 75% स्टूडेंट्स को है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। 20-25% स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ प्रिपेयर्ड थे, तो इनके लिए भी सोचिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रखी है तो इन स्टूडेंट्स ने नहीं की है। और एग्जेम्पशन देखिए सभी को मिल जाता है, क्योंकि बाकी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। बहुत सारे कॉलेजेस का तो मुझे ये भी सुनने में आया, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, उनकी टीचर्स ने भी इवन बोला था सितंबर में एग्जाम होंगे, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है भाई कॉलेजेस का, और आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो कम से कम एग्जेम्पशन तो दो। कुछ भी रहा हो कि भाई लेट हो जाएंगे एग्जाम्स या कुछ भी, आपने गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ, तो एग्जेम्पशन आप दो। तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, कमेंट करो इसके लिए, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्राई आर लेवल बेस्ट कि एग्जेम्पशन मिले। एग्जेम्पशन क्या होगा कि कोई भी 5 क्वेश्चन करने दो, या जैसा MDU यूनिवर्सिटी ने किया है कि कंपल्सरी क्वेश्चन करो प्लस कोई भी 4 क्वेश्चंस कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस नहीं करना पड़ेगा, आप 60-70% सिलेबस करेंगे, इनफ है, एक यूनिट आप पूरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे उससे आपका जो है अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, 70-75% 80% मार्क्स इजीली आपके आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे जरूरत है। तो इस एग्जेम्पशन के लिए जो मैं आपको बता सकती हूँ वो आप ये करिए, कमेंट करिए। सो इस तरीके से आप 10 दिन में जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए अब ये मत सोचिए कि डेट शीट लेट होगी या और कुछ, आ गई है डेट शीट, प्रिपेयर्ड रहो, अब बस पढ़ना है, लास्ट ऑप्शन यही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आज से ही कर दो। जो स्टूडेंट्स वर्किंग है और बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, बीएड की डिग्री बहुत मायने रखती है, 1-2 दिन की लीव ले लो, जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, कोई स्कूल में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, या कोई ऑफिस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, या और कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो छुट्टी ले लो, पढ़ लो, क्योंकि ये 10 दिन आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ देने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 10 दिन जो है छुट्टी ले ली, ऑल्दो वो मुश्किल होता है, नहीं देते हैं आप जहाँ पे भी वर्किंग होते हो, छुट्टी लेना इतने लॉन्ग पीरियड की मुश्किल होता है, तो पूरे लॉन्ग पीरियड की ना लेके 1-2 दिन की वीक में, जैसे ट्यूजडे की ले ली, थर्सडे की ले ली, तो इस तरीके से आपको क्या है, रिलैक्स मिल जाएगा, प्लस आप माइंड से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे फुल्ली ऑन योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर, एंड थिंक अबाउट दिस, बिकॉज बीएड के मार्क्स आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो मेरिट के बेसिस पे मिलती है उनमें, साथ में आगे
गवर्नमेंट लाइक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज, और इसके बाद बात करें तो प्राइवेट स्कूल की भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ आपके लिए जो है ओपन हो जाएगा. तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें. और एग्जेम्पशन के लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करो. साथ में आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स की आती है मैम आप इंग्लिश मीडियम में डाल देते हो हिंदी में नहीं, किसने बोली है ये चीज़. मैंने हमेशा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट डाला है, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है वो हमेशा दोनों में डाला है, राइट. तो प्लीज़ आप वो चीज़ें देखें. टेलीग्राम को जब तक एग्जाम्स हैं अपने फोन में डाउनलोड कर लो, चैनल पे जुड़े रहो, चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो भी चीज़ें आती हैं एकदम से विद इन वन आवर आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाता है उनका. सो वहां से हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा. एंड इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए, PYQ या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. थिंक अबाउट इट, आप किससे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF नहीं लेना चाहते हो, हार्ड कॉपी में भी, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसके लिए घर बैठे मंगवा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुकलेट. इस तरीके से बुकलेट है, ऑर्डर कर दो. सेल्स पर्सन है हमारे मिस्टर भोला, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8860240570, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप उनको, ठीक है. मिस्टर भोला है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. जो भी चीज़ आपको लेनी है आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, या उनको बता दो कि इस यूनिवर्सिटी की ये चीज़ आपको चाहिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से चाहिए, इस पिन कोड पे चाहिए. सर इज़ गोइंग टू गाइड यू विद एवरीथिंग, राइट. सो दिस इज लाइक द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आप 10 दिन के अंदर अपना सकते हैं. सो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ भी काम का चैनल लगता हो आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा. दैट इज गोइंग टू लाइक बेनिफिट यू ऑल, एंड डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू लिसन अस. सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.